हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण प्रीत ऑल इन वन। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको फेसबुक पे कभी भी नहीं करनी है। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट हैक भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पूरा फ़ोन भी हैक हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो गलतियाँ नदानी की वजह से करते हैं और भोलेपन की वजह से करते हैं, और कुछ जो है वो अपने मज़े के लिए करते हैं, पर ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। पहली गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि आपको फेसबुक पे कभी भी कोई गलत चीज़ सर्च नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अपने कुकिंग के रिलेटेड कोई सर्च मारेंगे तो मेन पेज पे आपका सारा कुकिंग से ही रिलेटेड आएगा, और अगर आप कोई गलत चीज़ वहाँ पे सर्च मारते हैं तो मेन पेज पे आपको गलत चीज़ें ही मिलेंगी, फेसबुक आपको वही प्रोवाइड करेगा जो आप सर्च मारेंगे, और मेन पेज आपका उन चीज़ों से भर जाएगा। और जब कोई भी आपका फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड आपका फेसबुक देखेगा तो वो उसके सामने अगर ऐसी गलत चीज़ें आएंगी तो उसके मतलब वो आपके बारे में क्या सोचेगा, आप ये खुद ही सोच सकते हैं कि आपका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। और साथ ही साथ जब भी आप ये सर्च मारेंगे तो आपको गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आने लग जाएंगी, जिसे आप अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं बीच में तो कोई आपको साथ में गलत फ़ोटो डाल के, कोई वीडियो डाल के टैग कर सकता है साथ में ही, और आपके ऊपर गलत चीज़ें चार्जेस भी पड़ सकते हैं। और दूसरी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि जब भी आप फेसबुक चला रहे होते हैं तो बीच में आपने कभी ऐसे मैसेजेस देखे होंगे कि अब कभी कोई मैसेज आता है कि आप अपना फ्यूचर जान लीजिए, या आपके किसके साथ शादी होगी, या और भी बड़ी चीज़ें ऐसे गेम्स आती हैं, तो आप उन पर क्लिक करते हैं और उसमें साइन इन करके अपना फ्यूचर वगैरह देखना चाहते हैं कि आपके किससे शादी होगी। पर ये जो है वो बिल्कुल गलत है, आपको ये बिल्कुल चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप अपना वहाँ पे लॉगिन करेंगे अकाउंट तो वो आपका थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा, जिससे वो आपका जो फेसबुक का है वो हैक भी कर सकते हैं। और जो तीसरी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि आपको मैसेंजर में जाके कभी भी प्राइवेट कन्वर्जेशन नहीं करनी है। आप सिंपल कन्वर्जेशन कर सकते हैं, पर जो होता है कि आपको कोई प्राइवेट चीज़ों की बात होती है, जैसे किसी का नंबर प्राइवेट हो गया, कोई फ़ोटो होगी प्राइवेट, वो कभी भी चीज़ें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि फेसबुक जो है वो सारा आपका डाटा जो है वो स्टोर करके रखती है एक जगह पर, और जो बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, हैकर्स होते हैं, वो आपका यहाँ से जो है वो डेटा चुरा सकते हैं। तो चौथी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे फेसबुक आप चलाते चलाते तो कभी कभी कोई गलत इमेज आ जाती है या कोई गलत वीडियो आ जाती है, तो आपको उस पर क्लिक, लाइक या कमेंट नहीं करना है। ऐसा करने से आपके दोस्तों के दोस्तों तक भी ये चीज़ें पहुंच जाएंगी कि आपने इस वीडियो पर लाइक किया है, इस वीडियो पर कमेंट किया है, और भी बहुत सी चीज़ें, अगर आपने प्राइवेसी नहीं लगाई है तो। पर अगर आपने प्राइवेसी लगाई है तो तब भी आपका फिर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा कि फेसबुक जो है वो आपको वैसी ही चीज़ें देने लग जाएगा, और जब भी आप अपना फेसबुक खोलेंगे तो आपका जो है मोबाइल जो है फेसबुक वो उसी चीज़ों से भरा रहेगा। पांचवी गलती जो आपको फेसबुक पे नहीं करनी है वो ये है कि आपको फेसबुक पे कभी भी किसी पे जल्दी यकीन नहीं करना है। चाहे अगर आप लड़की हैं तो अगर कोई भी लड़का आपसे बात करता है, बहुत ज़्यादा मीठी बातें भी करता है, तो आपको उस पर यकीन नहीं करना है। क्या पता वो आपको उल्लू बना रहा हो या बेवकूफ़ बना रहा हो सकता है। और अगर आप एक लड़के हैं तो लड़की के ऊपर भी यकीन नहीं करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिससे लड़का जो है वो लड़की की आवाज़ में बात करके आपको अच्छा खासा उल्लू बना जाएगा और आपको लूट छूट के ले जाएगा। तो ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसी की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरी वीडियो पूरी देखी होगी, और आपको मैंने जो पांच गलतियां बताई आपको उनका बेशक ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज़ों से आपका जो फेसबुक वगैरह है वो हैक हो सकता है, और फेसबुक से आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है, और साथ ही में आपका इंप्रेशन भी डाउन हो सकता है अगर आपके कोई मोबाइल में ऐसी चीज़ें देख लेता है तो। तो बस कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप पहले कौन सी गलती करते हैं और मेरी वीडियो देखने के बाद आपने कौन सी गलतियाँ छोड़ दी। तो बस आज की वीडियो में इतना, तब तक के लिए सी यू, जय हिंद।